नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि चाहे उनके पास एक सीट हो या हजार सीट हो, लेकिन जिस वादे से उनके पिता आगे बढ़े थे, जिस वादे से उनके पिता ने पार्टी आगे बढ़ाई थी, उसी दौर से वो भी अपनी पार्टी आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मेरे पिता ने हमेशा पिछड़े लोगों का, महिलाओं का साथ दिया है और मैं भी यही करूंगा। इसीलिए राष्ट्रपति की दावेदारी के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम जब सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा एक ही वोट है और शायद मेरे एक वोट से कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं उनका समर्थन करूंगा और मैं एक महिला का साथ दूंगा, क्योंकि मेरी पार्टी ने और मेरे पिता ने हमेशा से इसी चीज का साथ दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाया है। ये वीडियो देखिए आप। जिस संघर्ष और जिस मेहनत और जिस काबिलियत के बल पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची है, ये अपने में उनकी काबिलियत को दर्शाता है, उनके सामर्थ को दर्शाता है। और उनकी यही काबिलियत, इसी सामर्थ का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। और पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही एज अ गवर्नर, उनकी जो भूमिका रही झारखंड में, या एक जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरीके से उनकी समाज के प्रति उनकी सेवा रही, इन तमाम बातों को देखते हुए, इन तमाम पृष्ठभूमि को देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि हम लोग इस राष्ट्रपति चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का समर्थन एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी बात आगे सामने रखी। साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने बहुत बार बीजेपी के साथ होके भी उनके कई फैसलों में हमने उनका साथ नहीं दिया है, विरोध किया है। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था तब भी वो बीजेपी के विरोध में खड़े थे। कई बार हमने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है और कई बार ऐसा हुआ है कि हम जब पार्टी के साथ गठबंधन में भी थे, महागठबंधन भी था, तब भी हमने बहुत सारे सरकार के फैसलों को नकारा है। यानी कि उनका जो विजन है वो एकदम क्लियर है, वो हमेशा पिछड़ी जातियों के साथ और महिलाओं के साथ खड़े रहेंगे। और इस पूरी वीडियो में वो यही बोलते हुए नजर आए कि मैं अपनी पिता की सोच को आगे लेके जाऊंगा, चाहे गठबंधन हो या मैं अकेले पार्टी चलाऊं, चाहे मेरे एक वोट से फर्क पड़े या ना पड़े। और इसी का समर्थन करते हुए जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी यही कहा। लल्लन सिंह की आप ये बाइट सुनिए किस तरीके से उन्होंने भी चिराग पासवान का समर्थन किया और कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू खड़ी होती हैं तो उनकी जीत निश्चित तय है। ये वीडियो देखिए आप। राजेश सर, ये काफी महत्वपूर्ण रहा सर, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दलयू के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी सदैव से महिला सशक्तिकरण के प्रति और समाज के कमजोर वर्गों के प्रति न्याय हो इसके समर्थक हैं। सिद्धांतों वो इस सिद्धांत को मानते हैं और इसलिए एक गरीब परिवार में जन्मी आदिवासी महिला राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। जनता दल यूनाइटेड उसका स्वागत करती है और समर्थन करती है। सर, सर्वसम्मति से ये राष्ट्रपति उम्मीदवार चुन जाए, इसके लिए भी इसके लिए हम लोग इसके लिए तो जो बड़ी पार्टियां हैं वो तय करेंगी। अभी तो जब चुनाव होगा तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। तो दोस्तों, सुना आपने जेडीयू के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, लल्लन सिंह ने भी यही कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू खड़ी होती हैं तो उनकी जीत तय है। हम भी महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा इसी सोच का समर्थन करते आए हैं। हम भी पिछड़ी जातियों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार सरकार हमेशा से इसी सोच को लेकर आगे चली है और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की दावेदारी के लिए खड़ी होती हैं तो उनकी जीत तय है। यानी कि एक तरफ चिराग पासवान ने तो ये क्लियर कर दिया कि चाहे उनका एक वोट हो या दो वोट हो, वो हमेशा जो भी उनकी सोच है उसी को आगे लेकर चलेंगे, जो उनके पिता चाहते थे उसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली में चिराग पासवान को उनके घर से बिना नोटिस दिए निकाल दिया था, उनके पिता की तस्वीरें भी किस तरीके से नीचे पड़ी हुई थी, काफी विवाद खड़ा हुआ था। चिराग पासवान ने यही कहा कि ये तो मुझे पता था कि मुझे घर खाली करना होगा, लेकिन इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से मेरे साथ ये चीजें होंगी, मैं उससे निराश हूं। और आज
एक बार फिर से उन्होंने ये चीज दिखा दी है कि वो अपने पिता के ही विजन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, पार्टी को इसी तरीके से आगे लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ ये कहा कि हम महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे, हम पिछड़ी जातियों के साथ खड़े हुए हैं, और द्रौपदी मुर्मू अगर खड़ी होती है तो मेरा जो एक वोट है वो उन्हीं को जाएगा। और इसी का समर्थन करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी कह दिया है कि अगर द्रौपदी मुर्मू खड़ी होती है तो उनकी जीत निश्चित तय है। तो हाल फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।